फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संध्या रतन किचन में और एक नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये देखिए, पंगास मच्छ की रेसिपी। पंगास मछली इसको बोलते हैं। ये बहुत बड़ा साइज का मछली है, लगभग 1.25 किलो का। तो देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है, धो लिया है। तो चलिए ये रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मछली में नमक और हल्दी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ पंगास माछ की रेसिपी। तो देखिए, पहले मछलियों को धोना जरूरी है, यहाँ पे काट के उसके बाद इसका छिलका उतार के मिलता है रेडीमेड। घर पे आके बस आपको धो के साफ कर लेना है और कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं। तो देखिए यहाँ पे और ढेर सारा है, इसे मैं साफ कर रही हूँ। इस तरीके से आपको साफ कर लेना है। तो देखिए, इसके लिए हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच नमक। इसके बाद हमें डाल देना है इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, और इसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो नमस्कार बंधुरा, कैमन आछेन सबाई? आशा करछि सबाई भालो एवं सुस्थ आछेन। আজকে আমি নিয়ে এসেছি পাঙ্গাস মাছের রেসিপি। দেখুন, এগুলো আমি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি 2 চামচ নুন আর 1 চামচ হলুদ দিয়ে এটাকে ভালো করে মেখে নেব। মেখে নেবার পরে দেখুন, এর মধ্যে অনেকগুলো মাছ রয়েছে, তো এইভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। দেখুন, তারপরে এগুলো রেখে দেবো এখন সাইডে। গ্যাসের উপরে রেখে দিয়েছি আমি আগে, গ্যাসের উপরে কড়াই গরম হওয়ার জন্য। নমক হলদি বহুত আচ্ছে তরিকে সে মানে এসমে মিক্স কর দিয়া হ্যা। আব ইসকো হম রখ দেতে হ্যা সাইড মে। তো চলিয়ে এসে ফ্রাই করনে কি ওর চলতে হ্যা। देखिए फ्रेंड्स, गैस पे रख दिया मैंने कढ़ाई। कढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। इसी तरीके से पहले हमें गर्म कर लेना है कढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो देखो बंधुरा, कढ़ाई गरम हो गए। एबार आमी एर मध्य ढेले दिलाम सर्षार तेल। सर्षार तेलटा जतक्षण ना गरम हयेछे ततक्षण आमरा अपेक्षा करब। तो देखिए फ्रेंड्स, सरसों तेल गर्म होने तक का हमें इंतजार कर लेना है। जब इसमें धुआं निकलने लगे उसके बाद ही हम इसमें मछलियों को फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है। इस तरीके से कलछी से हमें तेल को इधर उधर फैला लेना है ताकि जो मछलियां तेल के बाहर भी हो तो इसमें चिपके ना। तो इस तरीके से आपको तेल को फैला लेना है। इसके बाद एक एक करके इस तरीके से मछलियों को रख देना है। তো দেখো বন্ধুরা, তেল গরম হয়ে গেছে। যাওয়ার পরে মাছগুলো এর উপরে আমি দিয়ে দেব। তো ফ্রেন্ডস, এক তরফ হমে ডার্ক ব্রাউন হোনে তক ফ্রাই কর লেনা হ্যায়, মছলিও কো ভুল লেনা হ্যায়। উসকে বাদ হম ইসে পলটেঙ্গে। তো তব তক হম ইন্তজার করেঙ্গে জব তক ইধার ব্রাউন হো যায়। হম সারে মছলিও কো পলট দেঙ্গে। তো দেখো বন্ধুরা, মাছগুলোকে উল্টে দিব এইভাবে। ইস তরিকে সে সারে মছলিও কো হমে পলট দেনা হ্যায় তাকি দুসরে তক तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। देखिए दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। अब सारे मछलियों को हम निकाल लेंगे। সব মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার মাছগুলোকে আমি এইভাবে বের করে নেব। তো দেখিয়ে ইস তরিকে সে হমে কলছি কো ইস তরিকে সে টেড়া কর লেনা হ্যায় তাকি জো তেল বচা হ্যায় ইয়ে নিকল যায়। ইস তরিকে সে হমে সারে মছলিও কো নিকাল লেনা হ্যায়। দেখিয়ে इसी प्रकार हम सारे मछलियों को फ्राई कर लेंगे। এইভাবে সব মাছগুলো আমি ভেজে নেব।
যদি একটুকো লাগা থাকে কড়াইয়ের মধ্যে এইভাবে পরিষ্কার করে নেব, তাকি অন্য মাছগুলো এর মধ্যে যেন না আটকে যায়। এইভাবে পরিষ্কার করে নেওয়ার পরে তারপরে আবার থেকে বেঁচে থাকা মাছগুলো ভেজে নেব। এইভাবে মাছ ভাজা হচ্ছে, ততক্ষণে আমি এই পাশে চাল ধুয়ে নিয়েছি, ভাত বসিয়ে দেব। তো জব তক মছলি ফ্রাই হো রই হ্যায় তব তক মে চাওয়াল চড়া দেতি হুঁ। তো ফ্রেন্ডস, মে ভগোনে মে বানাতি হুঁ, আপ লোগ কিসমে বানাতে হো কমেন্ট করে জরুর বতানা। তো চলিয়ে ইসমে ডাল দেতি হুঁ পানি, উসকে বাদ মে চড়া দুঙ্গি গ্যাস পে। देखिए फ्रेंड्स, विलेज स्टाइल फिश ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है आलू, चार आलू लिया है मैंने, नया आलू लिया है मैंने। जब नया आलू और फूलगोभी नया निकलता है ना, तो फिश ग्रेवी ज़्यादातर विलेज में इस तरीके से बनाते हैं, हमारे घर में बनाते हैं अभी भी। तो देखिए, नया आलू गोभी ले लिया है मैंने, गोभी मैंने एक बड़ा सा फूल लिया है जिसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, और प्याज मैंने लिया है 3 मीडियम साइज प्याज, और लहसुन लिया है मैंने एक बड़ा गांठ का आधा भाग, और अदरक लिया मैंने 1 इंच, और एक मैंने टमाटर लिया है। तो चलिए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बंधुरा, আমি দেখুন এই সবজিগুলো নিয়ে নিয়েছি, এবার এই সবজিগুলো দিয়ে আমি মাছের ঝোল আজকে তৈরি করব। তো দেখতে থাকুন কিভাবে আমি করছি। তো দেখিয়ে কড়াই গরম হয়ে চুকা হ্যায়, আব হাম ইসমে ডাল দেঙ্গে সরসোঁ কা তেল। তো দেখো কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে ঢেলে দেব সরষার তেল। এবার এই ফুলগোভিগুলোকে এর মধ্যে ফ্রাই করে নেব। এসবার সারে গোভি কো হমে ইসমে ফ্রাই কর লেনা হ্যায় ইস তরিকে সে। फ्लेम पे ही हम सारे गोभी को फ्राई कर लेंगे, गैस का फ्लेम हमें लो नहीं करना है, और नमक हम अभी इसमें नहीं डालेंगे, बिना नमक हल्दी का ही हमें इसको फ्राई कर लेना है, क्योंकि अगर हम इसमें नमक डाल देंगे तो गोभी गल जाएगा, इसलिए से हमें नमक इसमें अभी नहीं डालना है। तो फुलकोपीगुलो अभी এইভাবে ভেজে নেব, এর মধ্যে নুন এখন দেব না, এইভাবে শুধু ফুল ফ্লেমে আমি সব ফুলকপিগুলোকে ভেজে তুলে নেব। তো দেখে গোবি ফ্রাই হয়ে চুকা হ্যায়, সারে গোবি কো হম নিকাল লেঙ্গে। তো বন্ধুরা দেখুন, ফুলকপি ভাজা হয়ে গেছে, সব কপিগুলোকে আমি তুলে নেব। ফোড়নের জন্য দিয়ে দেবো 1 চামচ জিরা, তরকারি চালে আমি ইস্তেমাল কর রই হুঁ 1 চামচ জিরা, 1/4 চামচ রই হ্যায়। ইসকে বাদ জিরা জব চটক যায় তো হমে ইসমে ডাল দেনা হ্যায় প্যাজ। সারে প্যাজ কো ডালনে কে বাদ হমে ইসে ब्राउन होने तक भून लेना है, लाइट ब्राउन कलर हवा उबी सब पूर्ण प्याज गुलो के भेजे नेब। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये कटे हुए आलू, और जो मैंने टमाटर कट किया था उसे। আলু আর টমেটো দিয়ে দেওয়ার পরে সবজিটাকে নেড়ে চেড়ে নেব, তারপর ঢেকে দেব এটাকে, এসে কুল দের তক হম ঢেকে পকা লেঙ্গে। দেখিয়ে আব হম ইসমে ডাল দেঙ্গে স্বাদ অনুসার নমক, এবার আমি ঢেলে দেবো এর মধ্যে স্বাদ অনুযায়ী নুন। এসকে বাদ ইসে কর দেনা হ্যায় মিক্স,
उसके बाद वापस से इसको ढक देंगे। कढ़ाई भागा जा रहा है, देखिए आलू प्याज टमाटर हो गया है, एकदम परफेक्टली पक गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है। देखो आलू टोमेटो प्याज एकदम ভালোভাবে হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে মশলা দিয়ে দেব। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। এবার দিয়ে দেব আদা রসুনের বাটা। और थोड़ा सा पानी, একটুখানি জল, थोड़ा सा इसे चला देंगे ताकि नीचे से लगे ना। अब हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच जीरा पाउडर, दे दो एक चम्मच जीरा पाउडर। एक चम्मच हलुद गुड़ो, एक चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च डाल देंगे एक चम्मच, लौंगा गुड़ो एक चम्मच दिए ভালোভাবে এটাকে মিক্স করে দেব। सारे चीजों को डालने के बाद अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स कर देना है। इसके बाद मीडियम फ्लेम पे फिर इसे हम ढक के पकने देंगे। देखिए एकदम सब्जी और मसाला भून के हो गया है तैयार, तेल अलग हो गया है, देखिए देख सकते हैं, है ना। तो देखो बंधुरा मसला कसानो एकदम हो गए, तेल आलदा हो गए सब्जी मध्य। एबार दिए देव झोलर जन्ने जल। तो ग्रेवी के लिए अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो फ्रेंड्स जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप उसी हिसाब से पानी का इसमें इस्तेमाल करें। बस और हम इसमें नहीं डालेंगे, इतना काफी है। अब इसमें उबाल आने तक का हम इंतजार करेंगे। तो बंधुरा যতক্ষণ ঝোল ফুটে না উঠে ততক্ষণ অপেক্ষা করব। তো দেখে গ্রেভি মে উবাল আ চুকা হ্যায়, অব হাম ইসমে ডাল দেঙ্গে সারি মাছলিয়া ভুনে হুয়ে ফ্রাই কিয়ে হুয়ে। তো দেখো বন্ধুরা ঝোলে ঝোল ফুটে গেছে, এবার মাছগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। उसके बाद इसे चला देना है अच्छे तरीके से। इसके बाद गैस का फ्लेम हम कर देंगे कम। इसके बाद इसको ढक के हम पकने के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट तक। तो देखिए फ्रेंड्स आज की रेसिपी बन के हो गया है तैयार। आखिर में हम इसमें डाल देंगे पीसे हुए गरम मसाला, देखिए जिसमें मैंने लिया है दालचीनी और छोटी इलायची, बस यही दो चीजों को मैंने पीस लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे। तो बंधुरा নামানোর আগে ঢেলে দিচ্ছি এর মধ্যে গরম মশলা। इसको एक उबाल आने तक हम बस पकाएंगे। अब इसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे हम बंद। तो फ्रेंड्स
आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल में नया विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख के मजेदार वीडियो और वो रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। तो बंधुरा जो रेसिपी अपने भलो लेगे थे तो प्लिज वीडियो के लाइक अवश्य करबें, और चैनल नतून जो भिजिट कर तो चैनल के सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करा भूलें ना। तो फिर मिलते हैं अगले किसी ने वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। तो बंधुरा ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওর সঙ্গে, ততক্ষণে বাই বাই। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संध्या रतन किचन में और एक नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ विलेज स्टाइल फिश करी, तो जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग लगती है खाने में। हेलो बंधुरा कैमन आछो सबाई, आशा करछि सबाई सुस्थ सबल्य आछो। तो आज के आमी विलेज स्टाइल माछेर झोल तैरी करते चले। तो अपने जो भलो लेगे थे तो अवश्य एक लाइक निश्चय कर। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर।